मंदिरों की नगरी वृंदावन में बसंत पंचमी के साथ ही बसंत उत्सव की धूम शुरू हो गई है। इस दौरान मंदिरों में ठाकुर जी की ओर से प्रसादी गुलाल भक्तों पर उड़ाया जा रहा है। ठाकुर जी के प्रसादी गुलाल में सराबोर होकर भक्त ठाकुर जी के जयकारे लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि ब्रज में बसंत पंचमी से होली की धूम शुरू हो जाती है, जिसके तहत यहाँ के मंदिरों में ठाकुर जी की ओर से भक्तों पर अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में रंगों की होली की शुरुआत हो जाती है। बसंत उत्सव के तहत प्राचीन ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में सेवायत गोस्वामियों द्वारा ठाकुर जी की ओर से प्रसादी गुलाल भक्तों पर उड़ाया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर ठाकुर जी के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। मंदिर सेवायत मोहित मराल गोस्वामी ने बताया कि मंदिर में बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो चुकी है। अब प्रतिदिन ठाकुर जी के गालों पर गुलाल लगाया जाएगा तथा उनके सामने थाली में रंग बिरंगे गुलाल भी रखे जाएंगे। होली का यह उत्सव 40 दिन तक ब्रज में लगातार जारी रहेगा। वहीं प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर में बसंत उत्सव की धूम मची हुई है। यहां पर मंदिर सेवाएं डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी के सानिध्य में पूरे मंदिर को पीले रंग के कपड़े एवं रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। भगवान गोपेश्वर महादेव को पीत वस्त्र धारण कराई गई तथा विशेष श्रृंगार किया गया। दर्शन के लिए देर रात्रि तक भक्तों का तांता लगा रहा। जी बताया, आज बसंत पंचमी का क्या आयोजन किया गया मंदिर में? बसंत उत्सव महाउत्सव आज से नई ऋतु जो है खिलने लगती है। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि बसंत ऋतु आ गई है तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हरा भरा बसंत आता रहे और माँ सरस्वती जो है बुद्धि देने वाली है, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाद के या देवी सर्वभूतेषु तो बुद्धि रूपे संस्था नमत तस्यै नमो नमः। आज जो है माँ सरस्वती का पूजन होता है और भगवान शिव जो है आज गोपी रूप में और बसंत में बैठे हुए हैं और वही चीज़ सरसों की बहार आ गई है। हर ऋतु में भोलेनाथ का वास रहता है इसलिए चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और फागुन का महीना आ रहा है, महाशिवरात्रि आ रही है और फागुन के महीने में गोपी जो है सामान लेकर भगवान के महाराज में जा रही है।